भाई लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड गणेश तो दुनिया कहती है क्योंकि ये भगवान है, लेकिन आजकल लोग लॉर्ड पुनीत के नाम की माला जप रहे हैं। आखिर है कौन ये लॉर्ड पुनीत जिसके बिग बॉस से जाने से लोग इतने खफा है कि बाइकॉट बिग बॉस के नारे लगाने लग रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ट्रेंड आज के टाइम में पूरी दुनिया में चक्कर घिनी की तरह घूम रहा है, जिससे देखो फोन उठाया और आ गए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर। और इन्हीं में से एक है पुनीत सुपरस्टार। पुनीत पेशे से तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पर पता नहीं क्यों इन्हें इनके फैंस लॉर्ड पुनीत के नाम से बुलाते हैं। पुनीत सुपरस्टार का असली नाम प्रकाश कुमार है। वो सोशल मीडिया पर कॉमेडी से लबरेज वीडियो बनाते हैं, जनता को भरपूर ठाके देते हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। इंस्टाग्राम और एमएक्स टकाटक जैसे प्लेटफॉर्म पर पुनीत को काफी पसंद किया जाता है। और सोशल मीडिया पर पुनीत की एक पंच लाइन काफी घूमती है और वो है कोठी बंगले वाले लोग। खास बात यह है कि पुनीत जो भी कमाते हैं वो अपनी कमाई का लगभग 90% हिस्सा गरीब बच्चों और भूखे लोगों की मदद करने में खर्च कर देते हैं। इस वजह से उन्हें फैंस का खूब प्यार भी मिलता है। वैसे तो पुनीत कुमार बिहार के रहने वाले और उन्होंने अपने वीडियो क्रिएटर बनने का सफर सबसे पहले टिकटॉक से किया, और जब टिकटॉक की भारत में तालाबंदी कर दी गई तो ये जनाब इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए। हालांकि लोगों ने इनको यहाँ भी काफी पसंद किया। पुनीत अजीब स्टाइल के वीडियो बनाने को लेकर ही जाने जाते हैं। अब पुनीत को बिग बॉस OTT सेकंड में कंटेस्टेंट के तौर पर बुलाया गया था, मगर बिग बॉस के घर में घुसने के 12 घंटे के अंदर ही पुनीत को घर से बेघर कर दिया गया। ऐसा ब्लंडर बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि बिग बॉस के घर का कोई भी सदस्य इतनी जल्दी घर से बाहर कर दिया गया हो। तब यही आता है कि ऐसा पुनीत ने क्या कर दिया कि घर का हर बंदा पुनीत को निकालने की जिद पकड़ बैठा था। तो भैया हुआ कुछ ऐसा कि 17 जून को बिग बॉस OTT का दूसरा सीजन प्रीमियर हुआ। इसे सलमान खान होस्ट कर रहे थे। अब पुनीत घर में घुसने वाले 12वें सदस्य थे, पर एंट्री से पहले किसी भी कंटेस्टेंट की स्क्रीनिंग होती है। आसान शब्दों में कहूँ तो कुंडली मिलान किया जाता है और इस कुंडली का रिजल्ट पब्लिक देती है। तो जनता ने पुनीत को इतने वोट दिए कि पुनीत दूसरे नंबर पर रैंक करने लगे और इस लिहाज से पुनीत को 1.35 लाख रुपए की बिग बॉस करेंसी मिल रही थी। लेकिन यही चीज सामने बैठे पैनल को रास नहीं आई, तो भाई इन्होंने पुनीत को 12 पर पहुंचा दिया, क्योंकि पैनल में बैठे लोगों को उनका चाल चलन कुछ खास नहीं भाया। इसके बाद पुनीत को इससे भी कम पैसों में घर के अंदर एंट्री लेनी पड़ी और पैसों की कमी की वजह से वो घर में बिस्तर नहीं खरीद पाए। ये बात पुनीत को जरा चुभ गई कि पैनल ने उनके साथ गलत किया। पुनीत कह रहे थे कि पैनल उनसे माफी मांगे। बात यहाँ तक भी ठीक थी। घर के अंदर जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, पर तभी लाइव फीड शुरू होते ही बिग बॉस का पारा चढ़ गया और उन्होंने सभी की मौजूदगी में पुनीत को फटकार लगा दी। वही पुनीत ने भी धमकी दे डाली कि अगर उन्हें शो से निकाल दिया जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा मामला समझिए, जब लाइव फीड होना था तो उससे कुछ देर पहले सुबह सुबह पुनीत ने टूथपेस्ट अपने फेस पर और जेल अपने सर पर डाल दिया, जो वहाँ मौजूद लोगों को देखने में काफी अतरंगी लगा। अब लोगों की बात फिर भी समझ आ सकती है, पर इस बार तो ये चीज खुद बिग बॉस को भी घिन करवा गई और बिग बॉस को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से पुनीत को बिग बॉस से फटकार पड़ गई। इसके बाद बिग बॉस ने पुनीत को चेतावनी दी कि घर के सामान को नुकसान पहुंचाना बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, ये बहुत बड़ी गलती है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको या घर वालों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इसलिए आपके लिए पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, दोबारा ऐसा हुआ तो घर से बेघर कर दिया जाएगा। और ऐसा बिग बॉस ने किया भी, वो भी सभी घर वालों की सहमति से। अब इसके बाद एक बात और सामने आई कि पुनीत सुपरस्टार ने रैंकिंग वाली बात का गुस्सा निकालने के लिए घर में रहने के दौरान ही अपने फैंस से बिग बॉस ना देखने की अपील की थी। साथ ही ये भी कहा कि वो सब जियो सिनेमा का ऐप अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दे। और यही नहीं, पुनीत ने घर में लगे कैमरे के साथ छेड़छाड़ की, यहाँ तक कि मनीषा नाम की कंटेस्टेंट को कुछ ऐसी बातें कही जो शायद पुनीत को नहीं कहनी चाहिए थी। उनकी इस हरकत से सभी घर वाले काफी नाराज थे। पुनीत को अपनी इंसल्ट ऐसी खटक गई, वो जब तक घर में रहे तब तक उठा पटक हल्ला चाहते ही रहे, जिसकी वजह से सभी घर वालों को परेशानी हो रही थी। पहले उन्होंने पुनीत को समझाने की कोशिश की, मगर पुनीत का कहना था कि वो फेक बनकर नहीं रह सकते, वो जो है वैसे ही रहेंगे। लेकिन लगता है कि पुनीत की ओरिजिनल हरकतें ना तो बिग बॉस को पसंद आई और ना ही बिग बॉस के घर वालों को, इसलिए पुनीत को घर से निकाल दिया गया। पर इससे पुनीत के फैंस तगड़े खफा हो गए भाई, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर बाइकॉट बिग बॉस ट्रेंड कर रहा है। कीचड़ में नहाने और कभी अपने चेहरे पर मिर्ची पाउडर लगाने वाले पुनीत अपनी इन अतरंगी हरकतों के अलावा अपने फैंस से पैसे लेकर उन्हें फोन पर या वीडियो बनाकर बर्थडे विश कर। उनके ट्विटर हैंडल पर एक नंबर भी लिखा हुआ है जिस पर फोन करके आप बर्थडे या किसी और मौके पर उनसे विश करवा सकते हैं। मतलब ये तो अलग ही लेवल का क्रेज हो गया। खैर, अब बेइज्जती इतनी हुई तो इंसान को गुस्सा आना लाजमी है, पर अब पुनीत सुपरस्टार तो शो के होस्ट यानी सलमान खान पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। पुनीत ने सलमान की लव लाइफ को छेड़ दिया है, जिससे अब सलमान भाई के भी फैंस आग उगल रहे हैं। वीरल भयानी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए वीडियो में जब उनसे पूछा गया कि सलमान खान उनका मजाक उड़ा रहे थे कि गर्लफ्रेंड नहीं है, तो पुनीत सुपरस्टार कहते हैं कि मैं सलमान भाई को यह पूछना
पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो उनके पास कौन सी गर्लफ्रेंड है, एक जाती है दूसरी आती है। इसके अलावा पुनीत ने काफी कुछ सलमान के बारे में बोल दिया जिससे लोगों ने उन्हें स्वामी ओम 2.0 बताया है। अब पुनीत की ये सभी हरकतें उनको कितनी भारी पड़ सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको उनके घर में रहना कितना पसंद और नापसंद लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज के लिए देखते रहिएगा फैक्टिफाइड।